और वहाँ पर गए तो एक सिम भी ले लिए हैं आपके, यहाँ नेपाल का सिम है ये देखिए। तो हम लोग भी वो आदत हो गया, तो हम पूछते हैं कि भाई ये कैसे किलो दिया, तो ये बताता है, तो फिर हम बोले नेपाली में कि इंडियन में, तो फिर उस हिसाब से दाम बताता है। दोस्तों देख सकते हैं मेरा तरी जो है पूरा उबाल में है एकदम, अब इसमें अंडा छोड़ देते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह सुबह हम लोग नेपाल इन कर चुके हैं, अभी हम लोग नेपाल पे खड़े हैं और यहाँ पर भी मतलब माल वगैरह सब चेक होगा, जितना कंटेनर सब गाड़ी खड़ा है सबका ढक्कन वगैरह खोल करके तिरपाल खोल कर माल चेक होता है, उसके बाद ही अंदर जाता है। यहाँ भी कुछ कागजात का काम है, कागजात हो जाएगा कम्प्लीट तो हम लोग फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों अब इंतजार कर रहे हैं, यहाँ जैसे क्लियर होगा तो हम लोग का समय बंधा जाएगा कितना समय में आपको वापस आना है, तो सब फैक्ट्री वाला काम रहता है, वो भी जानता है कि हाँ इतना जल्दी हमको छोड़ना है, नहीं तो फाइन वगैरह लग सकता है, ये सब लफड़ा है यहाँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इंतजार करते हैं कागज़ का, कब तक हमको यहाँ से छोड़ेगा। दोस्तों अभी दोपहर के 11 बज गया है और हम लोग अभी तो खड़े हैं नेपाल में ही, तो जा रहे नहाने के लिए क्योंकि ये कागज़ में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर नहाने का अच्छा साधन है, पूरा बाथरूम वगैरह शौचालय वगैरह बहुत अच्छा बना हुआ है, सब गाड़ी का अलग अलग, डाला गाड़ी उधर, कंटेनर इधर और सब गाड़ी उधर, सबका टेलर अलग, सबका अलग अलग पार्किंग बना हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। कैंटीन भी अंदर में है, आपको खाना नहीं बनाना तो वहाँ जा खा सकते हैं और नहाने का भी बहुत अच्छा जगह है। तो ठीक है दोस्तों हम चले अभी नहाने के लिए, काफ़ी धूप भी हो जाएगा भी ज़्यादा, नहा धोवा के आते हैं फ्रेश होकर के। दोस्तों अभी हम लोग नहा के आ चुके हैं और दोस्तों ये आज का हमारा खाना बना है, आलू बैंगन का सब्जी और चावल है, तो यही आज खा रहे हैं यहाँ पे। और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, देख सकते हैं अभी ठीक लग रहा है यहाँ पे, उतना ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं है। दोस्तों अभी दोपहर का खाना तो हो रहा है मेरा और काम भी अपना चालू है उधर, यहाँ पर वो थोड़ा सा सर्वेयर का डाउन चलता है यहाँ पे, तो वही बता रहा था हम मिले जाके, हम बोले भैया लेट कैसे हो जाएगा, कब तक होगा, बोले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बदम लास्ट बॉर्डर का एरिया पड़ता है ना, सर्वर थोड़ा सा डाउन चलता है यहाँ पर, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि इधर इंडिया इधर ये, तो दोनों का नेटवर्क क्या प्रॉब्लम थोड़ा सा आपस में ये होता है। और यहाँ हवा वगैरह इतना मतलब मस्त चल रहा है कि आपको धूप का कोई एहसास ही नहीं हो रहा शरीर में, और धूप में चल के भी कहीं देख सकते हैं पूरा जबरदस्त हवा चल रहा है बाहर, इतना तेज़ हवा है ना कि मेरा कंटेनर गाड़ी, ये कंटेनर गाड़ी हिल जा रहा है, गाड़ी देखिए हिल जा रहा है, पूरा पूरा हवा चला जबरदस्त। ठीक है दोस्तों तभी खाना वाना खाते हैं और इंतजार करते हैं, मेरा कागज बन के आ जाएगा तो आज मोड़ निकल जाएंगे यहाँ से। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया है, अभी तक हमारा गाड़ी यहीं पे खड़ा है पार्किंग में ही, अंदर अभी जा ही नहीं पाए, तो अभी आज तो लगता नहीं है कि जा भी पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे तो अंदर 2 दिन जाने का मौका मिलता है, तो आज तो अंधेरा हो गया, आप तो जाएंगे मतलब आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि जो जब पर्ची कटता है उसके बाद से दिन गिनाना स्टार्ट होता है, तो रात में तो आप कोई जाएगा नहीं क्योंकि एक दिन बेकार जाएगा। तो ठीक है दोस्तों आप इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आप कल सुबह ही हो सकता है तो पर्ची कट जाए, नहीं तो रुकना पड़ेगा, अभी ऐसे भी रुकना ही पड़ता है, यहाँ पर बोल रहे सब लोग कि 2-3 दिन 4 दिन ऐसा करके उधर इंडिया में भी और फिर इधर भी लग ही जाता है। ये दोस्तों देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है और हम लोग अभी भी पार्किंग में खड़े हैं और रोहित अभी चाय बना रहा था यहाँ पर, बना लिया हमको कटोरी में देता है, मतलब गिलास लोग दो ही लिया, पता नहीं क्या है। गिलास दो का कारण है कि शुभम था, तो शुभम तो चाय पीता नहीं था, तो इसीलिए कि हम लोग भी ध्यान नहीं दिए, बस दो ही गिलास लिए हैं। और चाय गर्मी में ज़्यादा बनता नहीं था तो चाय उतना पीते नहीं थे, इधर हम लोग थोड़ा शाम में आदत हो गया है, तो यहाँ तो अच्छा है कि गाड़ी में सब जुगाड़ रखे हैं और यहाँ सामान भी मिल जाता है। गेट के बाहर अभी हम गए थे उधर नेपाल के, नेपाल में तो है ही है, तो गेट के बाहर गए थे, वहाँ अच्छा बाज़ार है छोटा सा, सारा ड्राइवर लोग के लिए खाना पीना सब चीज़ मिल जा रहा है, राशन पानी सब चीज़ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वगैरह सब चीज़ है, तो वही सामान ले आते हैं, चाय चुई अब गाड़ी में बना के पी लेते हैं, दोपहर में तो पीते नहीं है, दिन में सुबह सुबह हो गया या अभी शाम में हो गया बस। देखिए दोस्तों शाम का 7 बज गया, अभी हम लोग का खाना पीना बन रहा है, आज अंडा कड़ी और रोटी बनेगा, तो काहे कि यहाँ नेपाल बॉर्डर में तो घुसे हुए हैं, यहाँ पे बिल्टी हम लोग को नहीं मिला है जाने के लिए, आगे तक विराटनगर का माल है तो विराटनगर के लिए जाने के लिए अभी बिल्टी नहीं मिलेगा, नहीं मिला है, यहाँ से बिल्टी मिलेगा तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बिल्टी मिलेगा तब हम लोग का नेपाल में एंट्री हो जाएगा, देखते हैं कल क्या होता है। कल तो बोला यहाँ का जो है पार्टी बोला जो कल पास हो जाएगा बोल के गया, तो देखते हैं कल भी क्या हो सकता है। दोस्तों अभी हम गए थे गेट के बाहर उधर पार्किंग के बाहर, तो कुछ सामान लाने गए थे, ये देख सकते हैं मेरा सामान लाए हैं, तेल वगैरह पटल सब्जी कुछ जो था, आलू वगैरह भी लेके आए हैं, और वहाँ पर गए तो एक सिम भी ले लिए हैं आपके, यहाँ नेपाल का सिम है ये देखिए, ये नेपाल का सिम, तो ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो एक दिन लगेगा कि 2 दिन लगेगा, तो फिर हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि सिम यहाँ से मात्र 1-2 किलोमीटर और चलेगा अपना जो सिम है, तो वो फिर आगे जाकर बात ही नहीं होता है। यहाँ पर जितना गाड़ी वाला सब पूछे हैं तो बोला कि नहीं वो पार्टी जो है देता है सिम, तो चलो ऐसे करके भी मेरा यहाँ मिल गया तो हम भी ले लिए ये सिम, ड्राइवर साहब थे तो ले लिए उनसे हम भी सिम,
तो ठीक है दोस्तों, इसको हम यूज करेंगे, हमारा जब बंद हो जाएगा 2-3 किलोमीटर बाद, तब ये हम लगा के अपना ये काम अपना चला लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम खाना बनाने भी जा रहे हैं, अपना सारा तैयारी हो चुका है। ये देखिए सागर रोहित सब कंप्लीट कर दिया है, अंडा और ये सब काट उठ के रेडी है। अब अपना काम है सब्जी बनाना। दोस्तों अपना खाना बनाना चालू कर दिए हैं, और ये देखिए अभी अंडा तल के निकाल रहे हैं। अभी अंडा का ही स्टार्टिंग है, क्योंकि अंडा कड़ी बनाने में पहले अंडा का ही काम आता है। अंडा को तल के निकाल देते हैं, फिर प्याज मिर्चा अपना तलेंगे इसमें। तो ठीक है दोस्तों, अभी अंडा ये देखिए तल रहे हैं। दोस्तों और ये जो कंटेनर गाड़ी है यहाँ पर, तो हमको बहुत सा कंटेनर गाड़ी भी दिख रहा है और सब आया हुआ है यहाँ पर। ऐसे भी डाला गाड़ी हम जब जितना भी चलाए हैं, सो 3.5-3 का 3-10-20 तक का एवरेज मतलब मिलता है। तो माल भी तो उस समय रहता है, जितना माल पासिंग रहता उतना तक वजन रहता है उसमें। इस समय देखते क्या है कि एवरेज मतलब 5 के ऊपर ही सब आता है इसका, जो हम देख रहे हैं कि 5 के ऊपर ही एवरेज देता है। किसी गाड़ी का कोई गाड़ी बहुत अच्छा है 6 भी पार कर जाता है। तो जो लोग चलाता है वो लोग का आइडिया हो गया है कि ये गाड़ी मेरा 6 का एवरेज देता है या 6 का पार कर जाता है। लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं मतलब 5 के प्लस ही है, 5 से नीचे कोई गाड़ी का एवरेज नहीं है, चाहे लीलैंड हो, टाटा हो, और ये कंटेनर गाड़ी में हम ये चीज़ देख रहे हैं। तेल महंगाई के में ये चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि अगर जिसका पासिंग जितना है उतना भी अगर माल लेता है तो भी एवरेज मतलब वही आता है। ये देखिए मैं लहसुन लाल हो चुका है, अब चले इसमें प्याज डालने। दोस्तों कंटेनर में हम देख रहे हैं एक सिस्टम कि और भी ड्राइवर सभी सब बात कर रहे हैं, हम सबका अलग अलग सिस्टम, लेकिन सबका फिक्स है। मतलब डीजल भी मेरा और रास्ते का जो लोडिंग अनलोडिंग रोटी खर्चा ये भी मेरा, वो सब साथ में रहता है। इसमें डीजल का मालिक के ऊपर कुछ नहीं रहता, वो सीधा हम किलोमीटर पर बिठा देता है या फिर फिक्स खर्चा डाल देता है कि इतना हम जा कर के आपको वापस आना है। अब हम मतलब डीजल कितना डाल के आ रहे हैं, कितना नहीं डाल के आ रहे हैं, वो मालिक को मतलब नहीं है। जितना भी कंटेनर गाड़ी हम सबसे अभी बात किए, सब बोलता है यही चीज़ है कि डीजल भी मेरा रहेगा और मालिक जो इतना खर्चा फिक्स बांध दे। सबका अलग अलग है, ऐसा ये नहीं करें सब कंटेनर एक ही जैसा है, सबका अलग अलग है, लेकिन डीजल साथ में रहता है उसमें, क्योंकि मालिक भी जानता है कि माल मेरा हल्का रहता है। प्याज मेरा फ्राई हो चुका है, और इसमें आलू भी डाल देते हैं, साथ में आलू भी होगा, आलू मेरा उबाला हुआ है। ये देखिए अब दोनों को साथ में कर दे रहे फ्राई, और आलू तो खैर उबाल के ही करते हैं, अब अच्छी तरह से इसको पहले भून लेते हैं, उसके बाद इसे मसाला डालेंगे। दोस्तों अभी घर गए थे तो अपना ये पुराना मसाला का डब्बा वो ले आए हैं, इसमें सारा चीज़ रहता है, इसमें सब चीज़ आइडिया लगता है कि क्या क्या मसाला है, कौन कौन सा डालना है। अब पुड़िया में दिक्कत हो जाता था, तो ये देखिए मेरा डब्बा आ चुका है, इसमें सब पता है कौन सा कौन मसाला है, जीरा गोलकी है, धनिया है, हल्दी है, सब पता रहता है। अब मसाला डाल चुके हैं, अब इसको पानी डालते हैं, अच्छी तरह से भूनेंगे फिर। दोस्तों ये मेरा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, ये देख लीजिए पानी का अंश एकदम नहीं है और पूरा धुआं धुआं निकल रहा है। थोड़ा इसको तरी बनाते हैं, ये देखिए लगभग इतना पानी मतलब मसाला अच्छी तरह से भून चुका है मेरा, तरी के लिए पानी डाले हैं। अब ये खोलेगा, उसके बाद इसका आगे काम होगा। दोस्तों आज गए थे बाज़ार करने के लिए, तो कुछ हमारे पास इंडियन पैसा भी था, कुछ नेपाली पैसा भी था। तो यहाँ का सिस्टम है कि दुकानदार भी जानता है बॉर्डर के आसपास जो है, वो लोग भी जानता है कि ड्राइवर लोग ही आता है अपने पास, तो वो लोग पूछता भी है कि नेपाली कि इंडियन। तो हम लोग भी वो आदत हो गया, तो हम पूछते हैं कि भाई ये कैसे किलो दिया, तो ये बताता है, तो फिर हम बोले नेपाली में कि इंडियन में, तो फिर उस हिसाब से दाम बताता है हमको। तो हम भी गए थे तो बोला अंडा ख़रीदने गए तो 2 पीस का ₹15, तो उस हिसाब से 6 पीस लिए हम, तो 6 पीस लिए तो हम तो जोड़ लेते 45 रुपये बन रहा, तो हम जानबूझ के उसको हम बोले कि इंडियन ये नेपाली पैसा 100 का नोट दे दिए उसको हम, तो वो फिर उसमें से वो शायद 72-73 रुपया वो काटा। बोला नेपाली में दीजिएगा तो 72-73 रुपया कटेगा और इंडियन में दीजिएगा तो 45 रुपया कटेगा। तो वही हिसाब है, थोड़ा हिसाब लगाना पड़ता है, तो जो लोग चलते हैं वो लोग अच्छी तरह से मालूम है कि हिसाब से, या दुकानदार भी बहुत ईमानदार है, सब कुछ सही बता देता है, ऐसा बात नहीं है। तब तो यहाँ से हम लोग आईफोन लेंगे तो सस्ता भी मिलेगा। पूछेगा दुकानदार आईफोन सस्ता मिल रहा है कि नहीं, ऐसा तो बात तो घुमा फिरा के वहीं आ जाएगा। या तो फिर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर हम मेरा पैसा जो अगर 100 का है तो इतना सा है, और नेपाली पैसा है तो वही इतना सा हो जाता है,
तो मेरा तो भाई इंडियन शो इतना ही लग रहा है ना, बात एक ही पड़ जाता घुमा फिरा के हम देखे हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरा तरी जो है पूरा उबाल में है एकदम। अब इसमें अंडा छोड़ देते हैं, अब इसके इसमें भी जाएगा तरी का। ये देखिए अंडा इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह से थोड़ा इसके अंदर भी अंडा के अंदर भी चला जाएगा तरी। थोड़ा सा पानी सुखाना है क्योंकि रोटी साथ खाना है तो ज़्यादा रखना भी नहीं है पतला। अब इसको थोड़ा देर छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों मेरा उस्ताद तो अभी खाना बना रहे हैं अंडा कड़ी, तो अभी जा रहे हैं हम पानी लाने के लिए। तो खाना बना रहा है ताले हम पानी ले आते हैं, पानी बहुत सोलो गिर रहा है, फ्रिज का पानी भरना है ठंडा। देखिए दोस्तों यहाँ पानी उनी का सब सुविधा दिया हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया है सुविधा दिया हुआ है बॉर्डर में, बाथरूम पानी उनी नहाने का धोने का सब सुविधा है। फाँका जगह है हम लोग के लिए, तो फाँके जगह बहुत बढ़िया रहता है, हम लोग फाँके जगह खोजते हैं। देखिए दोस्तों अभी पानी भर रहे हैं, फ्रिज का पानी पूरा ठंडा आ रहा है, बढ़िया है सुविधा उविधा दिया हुआ है, पूरा ठंडा आ रहा है। अभी पानी लग रहा चालू किया है, सुबह पानी नहीं चालू था, दोपहर को भरने के लिए आए थे तो नहीं चालू था, ये तो अभी चालू किया है लग रहा है। इसमें ज़्यादा पानी आ रहा है दिखे ना, तो वही स्लो आ रहा है। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुका है और अपना खाना बन गया है, ये देख सकते हैं अंडा कड़ी आलू डाल के, तरी जो है बहुत अच्छा बना है रोटी साथ खाने लायक। देखिए दोस्तों अभी तो हम लोग खाना खा रहे हैं अंडा कड़ी, और ये सब नेपाल का खेती का किया हुआ है, नेपाल का सब चीज़ है। अभी हम लोग नेपाल का खाना खा रहे हैं, नेपाल का खेती का चीज़, इंडिया का तो बहुत खाएं अब नेपाल का खा रहे हैं। नेपाल का अंडा खा रहा कुछ टेस्ट अलग लग रहा है क्या? अभी तक खाए नहीं है, खाएंगे बता, खा के बताओ, इधर का मुर्गी चेंज है लग रहा है। देखो खा के देखिए, वही सेम है इंडिया नेपाल का सेम है, वही वारा कर रहेगा। दोस्तों खाना तो अपना हो गया है, अब चले सोने के लिए भी, सब लोग तो सो ही चुका है, सब यहाँ पर कंटेनर के ऊपर भी सोया है, सब कोई सो रहा जहाँ मन तहाँ, अच्छा लग रहा है, मौसम भी ठीक है यहाँ पर। और दोस्तों कहीं हम लोग जा नहीं पा रहे, खड़ा गाड़ी में ज़्यादा इधर उधर का ब्लॉक बन नहीं पाता है, तो वो थोड़ा सा हम लोग को भी ख़राब लगता है, खड़ा खड़ा गाड़ी में मतलब ब्लॉक उतना नहीं बन पाता है, तो इसलिए दोस्तों आज कुछ ज़्यादा बना नहीं पाए हम लोग, तो वहीं खड़ा गाड़ी में क्या बना है। तो ठीक है दोस्तों, कल तो 100% है कि अपना गाड़ी यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि आज जो है आधा काम हो गया है और आधा काम बाकी कल होगा, तो कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों अभी जा रहे सोने के लिए, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।